हेलो ऑल वेलकम है आप सबका आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्लास टेंथ की यूनिट थ्री के जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं थोड़ा वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने इसको दो पार्ट्स में बना दिया है सेशन वन और टू आपके इस पार्ट में है और सेकंड पार्ट में आपके थ्री और फोर सेशन रहेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन वन के ये कुछ क्वेश्चन हैं फर्स्ट आपके जो हैं फिलअप्स हैं पहला फिलअप है हमारे पास अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा इसमें आएगा हमारे पास डेटाबेस बेस डाटा बेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा नेक्स्ट है हमारे पास अडैश इज कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटा बेस इज डीबीएम इज सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटा बेस नेक्स्ट इज अडैश इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल दैट इज आर डीबीएमएस आर डी बी एम एस आपका रिलेशनल मॉडल पर काम करता है ऐसा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है नेक्स्ट है हमारे पास थ्री पॉपुलर डी बी एम एस सॉफ्टवेयर कौन से हैं तो इसमें हम कोई भी नाम लिख सकते हैं Oracle, MySQL, और एककल माई एसक्यूएल और माई एसएल सार मैंने तीन जो पॉपुलर थे वो यहाँ पर लिख दिए हैं आपको अगर कोई और नाम पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास डैश इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल दैट इज प्राइमरी की जो होती है वो हमारी यूनिक वैल्यू होती है जो आइडेंटिफाई करती है हमारे रो के अंदर रो को हमारे टेबल के अंदर नेक्स्ट है कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम यानी कई बार हम एक या एक से ज्यादा कॉलम्स को मिलाकर जो है आपकी कंपोजिट की बनाते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डज स्टैंड फॉर का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डज आरडीबीएम स्टैंड फॉर दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो बहुत ईजी से क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज इन आर डीबीएमएस आर डीबीएमएस के अंदर डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है दैट इज इन आर डी वे में सर डेटा इज स्टोर इन मल्टीपल टेबल्स एंड टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग कॉमन फील्ड्स जो आपकी मल्टीपल टेबल्स होती हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है और वो आपस में किसी कॉमन फील्ड से जुड़ी हुई हो होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी एंड फॉरेन की प्राइमरी की में और फॉरेन की में क्या डिफरेंस होता है क्या रिलेशन होता है तो प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल तो प्राइमरी की हमें पता है कि वो यूनिक की होती है जो हमारे टेबल के अंदर हमारी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है जबकि फॉरेन की इज इज यूज फॉर एज टू आइडेंटिफाई अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अनदर टेबल यानी कि फॉरेन uh, uh, की जो है वो हमारे uh, एक टेबल से दूसरे टेबल में कह सकते हैं रेफरेंस के लिए पर्पज से यूज होती है नेक्स्ट हमारे पास सेशन नंबर टू है उसके कुछ असमेंट्स आई हैं पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे है फेल, हमारे पास अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट दैट इज ऑर्गेइज यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वर्टिकल आपके और हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिससे आपका टेबल बना होता है अ अ अ डैश इज सेट ऑफ 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 डेटा वैल्यू पर्टिकुलर टाइप वन फॉर ईच रो द टेबल दैट इज कॉलम अ कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू आपके डेटा वैल्यूज के सेट को बोलते हैं कॉलम जिसके अंदर हमारे पास ईच रो के लिए कुछ वैल्यू होती है रो रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल अब इसमें हम रो भी लिख सकते हैं रो की स्पेलिंग गलत है इसको ठीक कर लीजिएगा आर ओ डब्लू रो है एंड रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं और टपल्स भी लिख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास है डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन डेटा बेस डेटा बेस में हम किस तरह का डेटा स्टोर करने वाले हैं ये हमें डेटा टाइप से पता चलता है किस तरह का डेटा टाइप है वो डिफाइन करता है कि क्या डाटा उसमें स्टोर होने वाला है किस तरह का डेटा उसमें स्टोर होगा नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैक्स फिलअप्स के अंदर हमारे पास इसमें और जो है दैट इज देर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ टेबल एक टेबल बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर आपके मल्टीपल वेज होते हैं टेबल बनाने के फील्ड प्रॉपर्टीज कैन बी सेट इन बोथ डिजाइन व्यू एंड विजार्ड के थ्रू दोनों के थ्रू हम फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन हाउ मेनी वेज टेबल्स कैन बी क्रिएटेड इन बेस कैसे बना सकते हैं टेबल्स हम तीन तरीके से बना सकते हैं हमारे ओपन उप, ऑफिस बेस के अकॉर्डिंगली क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू के यूज करके बना सकते हैं विजार्ड का यूज करके टेबल बना सकते हैं और एसक्यूएल की क्वारी का यूज करके भी हम टेबल बना सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट आर द डेटा टाइप्स एंड दूसड इन डीबीएमएस वाई आर डेटा टाइप्स यूज डेटा टाइप्स क्यों यूज होते हैं डीबीएमएस में या RDBms के अंदर। जाए 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 तो इन डेटागे। डेटागे में हम किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं ये हमें डेटा बताते हैं। डेटा वो अलग अलग तरह की हो सकती हैं, डिपेंड करेगा कि उनमें किस तरह का डेटा स्टोर करवाना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेटा टाइप्स अवेलेबल इन न्यूमेरिक डेटा टाइप न्यूमेरिक डेटा टाइप हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं वो हमें यहाँ बताने हैं तो उसमें हमारे पास ये कुछ डेटा टाइप्स है वुल इंट इनी इंट स्मॉल इंट इंटीजर बिग इंट नोमरिक डेसीमल रियल फ्लोट और डबल इनके डेटा टाइप्स की के नेम हैं और वो किस पर्पज़ से यूज़ होते हैं और उसमें कितनी वैल्यू आपकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज होती है ये आपने यहाँ ध्यान रखना है मोटा मोटा इनका नाम ध्यान रखेंगे वो भी आपको ध्यान रहेगा रहेगा तो आप लिख सकते हैं एग्जाम में कोशिश कीजिएगा इनकी जो वैल्यू है वो आप याद कर सकें नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट डेटा टाइप अवेलेबल इन अल्फा अल्फा डेटा डेटा टाइप टाइप के अंदर क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास तो इसमें हमारे पास लॉन्ग वेयर कैर होता है कैर होता है वेयर कैर है और वेयर कैर इग्नोर केस है तो ये चार हमारे पास अल्फा अल्फानोमेरिक डेटा स्टोर करने के लिए आपके डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं तो मेन इनके नेम है डेटा टाइप्स बताया हुआ किस तरह का डेटा उसमें स्टोर करने का काम आता है और उसकी डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है कैसे डिफाइन करेंगे टेबल के स्ट्रक्चर को कहता है इन सिंपल सिंपल लैंग्वेज हैडिंग रो ऑफ अ टेबल कैन बी कंसीडर्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ दैट टेबल यानी कि हम सिंपली अगर समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं हमारे टेबल की जो हैडिंग रो होती है वो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है इन डीबीएमएस कॉलम फील्ड्स और एट्रीब्यूट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल यानी हम हमारे डीबीएमएस के अकॉर्डिंगली जो कॉलम होती है जो आपकी फील्ड्स होती हैं बोल देते हैं उनको वो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है वी नीड टू डिफाइन और क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर बिफोर एंटरिंग डाटा इन अ टेबल यानी कि एक्चुअल डाटा एड करने से पहले हमें टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करना पड़ता है या बनाना पड़ता है इन टेबल स्ट्रक्चर वी डिफाइन नेम हम उसमें नेम बताते हैं कि हमारे पास फील्ड का नाम क्या रहेगा उसका टाइप क्या रहेगा और अगर उसमें कोई कंसटेंट लगा रहे हैं तो वो भी हमें बताना पड़ता है एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये टेबल का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कस्टमर आई है नेम है कॉन्टेक्ट है एड्रेस और ईमेल तो हमारे पास ये किसी तरह के कस्टमर का रिकॉर्ड है जिसमें हमें कस्टमर टेबल एग्जैक्टली बनाने से पहले ये स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा कि जिसके अंदर हमारे पास ये पांच फील्ड हैं उनके नाम और उनके डेटा टाइप डेटा टाइप यहाँ नहीं डिफाइन किए गए हैं

फॉर ईच रो ऑफ अ टेबल हर रो के लिए हम एक अलग फील्ड ले सकते हैं वन कॉलम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच रोज आर कंपोज और हर कॉलम आपके जो रोज का है वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास सी फर्स्ट नेम का मतलब हो गया कस्टमर का फर्स्ट नेम कस्टमर लास्ट नेम ये जो है हमारी फील्ड्स हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखी थी ये फील्ड्स कह लीजिए इनको या हम इनको एट्रब्यूट्स बोल देते हैं और जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं हम उनको रो या टपल्स बोल देते हैं वो आपके सिंगल जो डेटा आइटम्स है टेबल को उसको रिप्रेजेंट यानी एक रिकॉर्ड हो गया वो एंड दूसरे टर्म में अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं टेबल कैन बी विजुलाइज एज कंसिस्टिंग ऑफ एंड कॉलम्स और फील्ड्स आपके वो कॉम्बिनेशन से बनती है एंड ईच रोज एंड टेबल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड डाटा और रो जो है आपके वो एक सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन टपल्स एंड ऑफ टेबल कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक टेबल में एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास टेबल है तो इसमें हमारे पास जो हैडिंग रो है वो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं हमारे हमारे पास इसमें पांच एट्रीब्यूट हैं नेम फर्स्ट नेम सिटी एज और सैलरी ये हमारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं और इसी तरीके से जो हमारे आपकी वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये हमारे टपल्स हैं इसमें जितने रिकॉर्ड्स हैं वो टपल्स खिलाते हैं और जितने कॉलम्स होते हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली टेबल के अंदर नेम डिफरेंट बाइनरी डेटा टाइप्स बाइनरी डेटा टाइप्स के बताने कितने कौन कौन से होते हैं तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में लॉन्ग वेयर बाइनरी आता है बाइनरी आता है और वेर बाइनरी आता है तो इनकी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं कौन सा डिपेंड करेगा हमारा जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या सपोर्ट करता है या हम किस तरह का डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं लॉन्ग वेयर बाइनरी इमेज के लिए होता है और बाइनरी वे, और वेर बाइनरी और किसी तरह का आपका अगर बाइनरी डेटा है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही एंड नेक्स्ट हमारे जो सेशन्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन है डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच